हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हंबल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आज बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज आज मैं आया हूं बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट पे, जहां पे मैं आज करने वाला हूं एक टूर। मैं आज ब्लॉसम बुक हाउस में जाने वाला हूं और उस पूरे बुक स्टोर का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ तो गाइज, मैं अभी पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे। तो एक्चुअली यार, बैंगलोर का आपको पता ही है कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो बस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी दूर तक एक्टिवा से आया हूँ और अब यहाँ से मेट्रो स्टेशन से सीधा जाऊँगा चर्च स्ट्रीट पे, तो थोड़ा कन्वीनियंट भी रहेगा, टाइम भी बचेगा। चुका हूँ अभी महात्मा गांधी स्टेशन पे और यहाँ से चर्च स्ट्रीट वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी चर्च स्ट्रीट पे और काफ़ी अच्छी वाइब है। आज वीकेंड का टाइम है, काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे एक्चुअली कैफेज़ हैं, आपको छोटे छोटे लोकल मार्केट्स भी मिल जाएंगे। बट मैं अभी जा रहा हूँ ब्लॉसम बुक स्टोर पे। स्टोर की एक खास बात है, यहाँ पे नई बुक्स के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी जो है, मतलब 70% आपको यहाँ पे ओल्ड बुक्स मिलेंगे। मतलब लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और वापस आके रिटर्न भी कर जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पता चला। तो इसीलिए यहाँ पे जो बुक्स का जो कलेक्शन है इट्स वेरी ह्यूज। आई एम श्योर कि आपको जो भी बुक चाहिए होगी यहाँ फॉर श्योर मिल जाएगी, बिकॉज बहुत बड़ा शोरूम है, लाइक बहुत बड़ा बुक स्टोर है ये। एंड अभी मैं अपनी बुक ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी बुक पिक करूँ। सो मैं अलग अलग सेक्शन पे गया एंड मोस्टली मुझे वैसे बायोग्राफीज पे इंटरेस्ट है। लेट्स सी, देखते हैं क्या समझ में आता है। बुक देख के तो यार मैं पागल हो गया हूँ। यहाँ पे हज़ारों में नहीं, ऑलमोस्ट लाखों में किताबें दिख रही हैं मुझे और इतने सारे सेक्शंस हैं, तो इट्स वर्थ कमिंग अगर आपको कोई बुक अगर चाहिए। हाँ तो गाइस, मैंने सोचा था बहुत जल्दी हो जाएगा बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतनी सारी बुक्स थी और एक बार अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप ऑलमोस्ट खो जाएंगे उसके अंदर। तो अभी मैंने इनका एक स्टोर कवर किया है, अब मैं जा रहा हूँ इनके दूसरे स्टोर पे जो कि पास में ही है। तो वो रहा ब्लॉसम बुक हाउस, उसका दूसरा स्टोर। बुक स्टोर थोड़ा उसके कंपैरिजन में छोटा लग रहा है। यार दिस इज इनसेन, इतनी किताबें तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी एक साथ। ओह
भाई हालत ख़राब हो गई, 2 घंटे से घूमे जा रहे हैं पूरे बुक स्टोर को, और ट्रस्ट में यार बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बुक स्टोर तो नहीं देखा था, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं बैंगलोर में आया और मैंने एक बुक स्टोर को पूरा अच्छे से रिव्यू किया। तो अगर आप बैंगलोर से हैं और आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। ब्लॉसम हाउस बुक स्टोर में ज़रूर आइए, और आपको यहाँ पे बहुत एक अलग अलग तरह की कैटेगरीज की बुक मिलेंगी, और आप अपने हिसाब से यहाँ की बुक परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा वैल्यू मिला होगा, और वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई जगह, तब तक कीप वॉचिंग हम्बल वर्ल्ड।